अरे बदलापुर में तो भाई मतलब क्या ही बोले बाबा, हमारे भाई का बदलापुर में बहुत काम रहता है। अरे श्रीमान भी मिल लेते पता है ना, अपने सिर्फ कांच खाली की थी, लगेज कांच वर की थी। अभी तेरा इच्छा क्या था, पूरा गाड़ी काट के ऊपर का बोनेट निकल दू और तुझे दिखने दू गाड़ी में क्या है। तो सुनो बताओ बताओ बोलो बोलो तुम बोलो मैंने बोले क्या बोलूं। शिवम भाई करण भाई कुछ काम से आए थे, वैसे मेरे थोड़े से पूरे 100-500 मीटर दूर, 1 किलोमीटर पकड़ लो ज्यादा से ज्यादा। फिर मेरे को बोलते लस्सी तो आएस ना किती वाजे पर्यंत जागा आहे भाई, तुम्ही कधी पण या काही भी प्रॉब्लेम नाही आहे। ठीक आहे मी येतो। हाँ हाँ ठीक है सर। फोन ठेवला थोड़ी देर में फिर से मैंने कॉल किया, करण भाई अभी तक आप आए नहीं, 10 बज गए मतलब कितने 12 बजे तक आओगे बदलापुर में। अरे बाबा काम रहते मैं पहुंच लो करण। अरे करण बदलापुर का बोल रहे हैं क्या? अरे मैं बताता हूँ रे बाबा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे बदलापुर में तो भाई मतलब क्या ही बोले बाबा, हमारे भाई का बदलापुर में बहुत काम रहता है। अरे श्रीमान मैं मतलब तुझे पता है क्या, बदलापुर के एक होटल में ना हम स्पेशली खाना खाने जाते हैं, वहाँ पे अच्छा खाना मिलता है। तो जब भी हम वहाँ पे जाते हैं ना, करण जी हमारे साथ खाना नहीं खाते। करण जी बोलते हैं कि आप खाना खा लो, आपका हो जाए तो मुझे कॉल कर लेना, मैं जरा एक मीटिंग में जाके आता हूँ। मीटिंग में पर करण भाई जैसे बोले मैंने मेरी मीटिंग कैंसिल की थी ना। मैं किसी के भी मतलब प्यार के बीच में नहीं आता, क्योंकि मेरे नसीब में नहीं है प्यार। बराबर बराबर। अरे बट उसकी मीटिंग कैंसिल करके आप प्यार के बीच में ही आ गए। उल्लासनगर हाँ क्या? अच्छा हाँ तो मैं इसको फोन किया कि ब्रो मैं आ रहा है तू किधर है, और मैंने इसको थोड़ी देर में इसने मेरे को फोन किया किधर है तू, तब तक मैं पूरा अपना आटा पीटा छोड़ के आ गया था। अब मेरे को ध्यान भी नहीं इससे मिलना है, और मेरे को बोलते अरे एफसी बीएफसी रखे रखा सगळा अनुंटो रात्री भेटेल ना तुमचे एसजी गेमिंग काय झालं भावा, तुम कितने भी बजाओ 4 बजाओ 5 बजाओ मिल जाएगा। और करण भाई 11 बजे घरी एक सिप मैं नहीं रहा ऐसा आईएसी बीएससी का मुझे नहीं पसंद। अच्छा आप उनको बता रहे हो जो आपके सबसे परम मित्र भाऊ दोस्त सब है। अरे ये मेरा सब बोलता है रे, मैं गाड़ी लेके काम पे गया था इसने मुझे भेजा करण इधर कम लग रहा है पर क्या, दूसरे टाइम मेरे को बोला करण हवा कम लग रहा है पर क्या, यही मुझे बोलता है काम। और अभी ऐसा बोला आईएससी करने जाता है। अरे बट मुझे एक बात बता, हवा भरने के लिए 15 मिनट बस हो गए ना, तू दो दो तीन तीन घंटा क्यों लगा था हवा भरने के लिए दोस्त? अरे बदलापुर में तू, अरे बदलापुर में तू कम से कम 200 बार गए रे करण। लेकिन शिवम भाई एक तो मेरे को ऐसे ही दिखे थे, मैं तो लस्सी के गाड़ी कटकट। अरे करण तू इतना रैंडमली कैसे दिख सकता है सबको? सुनो क्या, मैं वो हाईवे से जाता नहीं, वही हाईवे पे गाड़ी डाल दिया क्या, और मैं नोबिता को पैसे ना टर्न मारते हुए सड़े हुए बटाटे तुम्हारे गाड़ी पे दीदी वाह मेरे आइए से सालो नहीं नहीं दीदी थे उसके उधर इधर दीदी है उसके
अरे तू चुप रे मालवनी, तू मालवन कैसे कहते हैं बोलो जरा बोलो। वो मालवनी नहीं रे वो तू आपका कच्चा चिट्टा सांगायला लागला काय गेला काय गेला मेरा पूरा नहीं हुआ अभी तक सुनो तो आधा ही हो गया भाई। गाड़ी गाड़ी से मतलब गाड़ी रुकाई मैंने और इन्होंने भी गाड़ी रुकाई मैं गाड़ी में झाक के ना देखूं इसलिए ये पहले ही गाड़ी से उतर के बाहर आ गए। अरे थेरड़िया तू तोतला है रे पर तेरा दिमाग तोतला नहीं है, तेरा दिमाग बराबर चलता है जहाँ पे चलना चाहिए। चिकट कट रे देवा रे रे के दोस्त मैं डाउ पे सीख चुका रे देवा लगेच काच वर गेली अभी तेरा इच्छा क्या था पूरा गाड़ी काट के ऊपर का बोनेट निकल दू और तुझे दिखने दू गाड़ी में क्या है। अरे सामान था केबल का अरे सामान, अरे सामान क्यों इतना छुपाना था आपको करण जी। अरे मेरे गाड़ी को पहले से पढ़ दे लगाने के लिए। अच्छा हाँ पहले से तुझे मालूम है। जी 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 वो लगाया भूलता मुझे मैं गाड़ी के कांच कभी नीचे तुझे मालूम मुझे एसी लगता है श्रीमान कंपल्सरी। हाँ बापरे बापरे हाँ अरे मतलब हाँ मतलब सच सच है सच है मैं बोल रहा हूँ सच है। तो मैं कभी गाड़ी के कांच नीचे नहीं रखूंगा मुझे पसंद ही नहीं है। मैं सफारी भी लेके जाऊंगा तेरे को मालूम है मैं कांच नीचे करने ही नहीं देता मुझे पसंद ही नहीं है वो। ये बराबर है बराबर मैं 100% आपके साथ सहमत हूँ। लेकिन श्रीमान जब भी एक दूसरे को मिले थे ना ये सब स्टेपनी लेके ही एक दूसरे को अकेले कभी नहीं हर वे के साथ ही रहे मतलब करण बदनामी बस तेरी ही हो रही है दोस्त ना बाकी सेम सब पे सब लेके मेरे को पर आप ही सेटकरी बनने पड़े हो। एक मिनट सबसे ऊंचे हुए दिए श्रीमान तूने ना शायद मेरे ब्लॉग ठीक से नहीं देखे इसकी उठेगी ना बहुत सारी आईएसी उस पर खुल के बोली गई है लेकिन लोगों ने वो पकड़ा नहीं है साला मैं पकड़ा ही जाता हूँ ऐसा लपड़ा है देवा देवा बहुत दिनों बाद करण के टॉपिक रोज निकलते हैं आप लोगों के बहुत दिनों बाद निकले दोस्त। अरे ये टॉपिक की वजह से मेरे अच्छे कौन सा वीडियो चल रहा है ये देखना जरा ये नहीं हो रहा है ये टॉपिक ये टॉपिक की वजह से इसके अच्छे अच्छे दोस्त छोड़ के चले गए देखा सुनो हाँ तू कहाँ है।